बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी फ्राइज़। अच्छा, आलू छीलने के बाद मैंने इसको धोया था, फिर कटिंग करने के बाद। उससे होता है कि आपके जो ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, जैसे चावल का आटा है, ठीक है, ये मैं इसमें 2 चम्मच डालूँगी, 2 चम्मच ही डाल दिया। और ये है कॉर्नफ्लोर, इससे आपके इतने क्रिस्पी जाएंगे ना, कोई और चीज़ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे होता है फ्रीज़र में रखना, उसको धो के करना, वो करना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक डाल लें, आधा चम्मच। और अब मैं इसको ढक के अच्छी तरह से हिला, इसको ढकने के बाद आपने इसको इस तरह से ज़ोर से करना है, तो ये अच्छे से एक दूसरे के साथ लग जाएंगे। मैंने ये ढक्कन रख के इसको अच्छी तरह से खूब हिला लिया था, और हाथ से भी इसको बहुत अच्छी तरह से कर लिया, ताकि कॉर्नफ्लोर और चावल का जो आटा है और नमक वगैरह सब अच्छे से हो जाए। लेकिन इसको हाथ से भी करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये गीला करने की वजह से कैसे ज़रा सी देर में एक दूसरे मतलब चिपक गई दोनों चीज़ें, ठीक है, कॉर्नफ्लोर भी और चावल का आटा भी। अब ये गरम तेल में मैं डालती जाऊँगी, ये देखें, और तेल आपका गरम होना ज़रूरी है। ये मैं डाल दी इसमें, इतना डाल लेंगे जितनी स्पेस है उसके हिसाब से हम डाल लेंगे। थोड़ा सा हम इसको अलग कर लेते हैं, वरना ये दूसरे से चिपक जाते हैं। ये मैंने इसको अलग अलग कर लिए, अब ये कि इसमें हो जाएंगे, फिर मैं बाकी दूसरे डालती हूँ। ये इसमें ज़रा अच्छे से हमें थोड़ी देर करना होगा। इसको डालने के बाद मैंने इसकी कंडीशन जैसी थी वैसे ही रहने दी, ताकि एक साइड से अच्छे से हो जाए। अब मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ, ये देखें, ये एक साइड से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर और छोड़ेंगे, ताकि इस पर थोड़ी सी सुर्खी आ जाए। और बिल्कुल ये ऐसे बनते हैं, इससे मशीन वाले नहीं होते बाहर के, सेम टू सेम। आप ये बना के देखिएगा रेसिपी, लेकिन इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये हो जाएंगे, फिर मैं दूसरे डालती हूँ। अब ये देखें, इस पर अच्छे खासे सूखी आ गई, तो हमने इसको निकाल लेना है। ये देखें, ये मैंने निकाल लिया, अब इसमें एक दो रह गए हैं, अभी मैं निकालती हूँ, ठीक है। इसका तेल, और ये देखें, आप ज़रा इसका रंग देखें किस तरह का आया। ये ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करेगा। और ये इस छन्नी में मैं डाल दूँगी, और ये जो इसमें रह गई ये भी डाल दूँगी। और अब जो हमारे थोड़े से रह गए वो भी हम डाल के इसमें फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़े से रह गए थे, अब हम ये भी डालेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आप कोशिश क्या करेंगे, पूरा प्याला उठा के एक साथ डालेंगे, तो एक तो वो बॉर्डर जो नीचे बच गया वो भी चला जाएगा, और फिर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए इसको अलग अलग करके डालें। ये देखिए, मैंने जगह के हिसाब से जहाँ जहाँ जगह हो रही है वहाँ वहाँ मैं इसको डाल लेंगे, ठीक है, ताकि एक दूसरे के ऊपर चिपके ना। मैंने डाल दी, अब ये थोड़ी देर में जब इसको इसी कंडीशन में लेंगे, इसको हिलाएंगे नहीं ताकि हो जाए, तो फिर हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये अब इसमें सुर्खी आ गई है, तो अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, ये लग रहा है मजाक की जैसे कि नहीं। ये देखें, ये चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर तो खैर सभी डालते हैं, लेकिन चावल का आटा आप डालेंगे तो आपको देखें क्या रिजल्ट आएगा। इसकी आँच थोड़ी हल्की कर दूँ। अब ये अच्छे खासे सुर्खी माइल हो गए हैं, तो बस अब मैं थोड़ी देर में इसको निकालती हूँ प्लेट में, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरे फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। ये ऊपर मैंने इसके 4 मसाला, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर दोनों डाले हैं इसमें, ठीक है। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। अब मेरे पास अभी और कोई फ्लेवर थे नहीं, जिसकी वजह से मैं इनको वो करती, तो अभी फ़िलहाल मैंने यही फ़्लेवर डाला है। इंशाल्लाह और फ्लेवर होंगे तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन प्लीज़, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इस रेसिपी को ट्राई करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें।